अभी कल बताया था क्लास में आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, और शायद हम लोग जो है हम लोग शायद जो है पढ़ते पढ़ते जो है कहाँ तक पहुँचे थे, याद है कुछ? याद तो नहीं होगा, चलो हमको याद है। क्वेश्चन में आ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है आप लोग का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कल याद है बताया था कूलम्स लॉ के बारे में, आज जो है आज पढ़ाते हैं कूलम्स लॉ। बताया था जी कि एक क्वेश्चन तैयार किए थे एफ बराबर, तो ये हो गया एफ एयर के लिए, इसके लिए एयर विवाद या बैकअप के लिए क्या याद है? एफ बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R square। और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और एक ज्ञात किया था मीडियम के लिए, इसके लिए क्या कहते हो सर? F बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R square, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ केवल एप्सिलॉन, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर। तो कूलम के नियम के दो बिंदु ज्ञात हुए थे, वो एफ बराबर एफ एयर बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R square, एक एफ मीडियम के लिए एफ बराबर 1/4 pi एप्सिलॉन Q1 into Q2 by R square, इसमें एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ क्या है एप्सिलॉन है, तो ये हो गया निर्वात के लिए कूलम लॉ का व्यंजक, ये हो गया माध्यम के लिए कूलम नियम का व्यंजक। दो व्यंजक है, एक आपका क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन नंबर। कोई पूछेगा आपने कि जैसे एफ क्या है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, Q1 Q2 क्या है, तो आवेश है, आर क्या है, उनके बीच की दूरी है, 4 pi क्या है, तो 4 pi कॉन्स्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है आपका निर्वात या माध्यम की विद्युतीयता या प्रारूपता है या परमिटिविटी बोलते हैं। एफ मीडियम के लिए एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, कल बताया था, याद कीजिए कॉपी में आपको बोर्ड पर दिखाई देगा, कल वीडियो आप देखिए। एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतीयता या सापेक्ष विद्युतीयता, और इसको क्यू इनटू क्यू टू आर स्क्वायर, इसमें एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट छोटा मान होता है प्रयोग मान है 8.854×10^-12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एक ऐसे आता है किताब में दिया हुआ, देखिए एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्षिक विद्युत शीलता, ठीक है, और या इसको अपेक्षित बोलते हैं या सापेक्षिक बोलिए या अपेक्षित बोलिए, बात एक ही है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ के बाद, टॉपिक का नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपके सिलेबस के अनुसार नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। अभी लेक्चर क्लास चल रहा है, दो दिन से यही बता रहे हैं, तो आपका ये लेक्चर क्लास ही चल रहा है, छापना नहीं है, लिखने के लिए अभी नहीं बोला है, लिखने के लिए जब बोले तब लिखिएगा, अभी केवल देखना है सुनना है, अभी लेक्चर क्लास ही चल रहा है, आज इसको समाप्त कर देते हैं, कल से लिखाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्ष विद्युतीयता है क्या, इसका परिभाषा होता है कि हवा या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल एवं माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम्ब बल के अनुपात को ही
रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। अभी बोले अभी लिखना नहीं है, अभी लेक्चर क्लास ही चल रहा है, अभी दो दिन और चलेगा, दो दिन बाद उसको लिखाना शुरू करेंगे, अभी छापना नहीं है। हम जब बोलेंगे लिखने के लिए तब बोर्ड पर हम खुद लिखेंगे, आप लोग लिखना। अभी ये अभी केवल इसे देखिए सुनिए समझिए, जहाँ डाउट लगे वो पूछिए। कैसे पूछोगे, पूछ सकते हो, क्यों पूछोगे, समझ में आ जाएगा तो क्यों पूछोगे। आगे बढ़ते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, परिभाषा सुनिएगा। हवाई निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल एवं माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम बल के अनुपात को ही रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक एवं बीमा नहीं होता है, इसे एप्सिलॉन आर से, किसे एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है, और इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कूलम बल जो होता है दोनों का अनुपात है, एक हवा के लिए एक निर्वात के लिए, तो दोनों का मान कट जाता है, उसका व्यंजक एक प्राप्त होता है और एक का मात्रक और बीमा नहीं होता है। इसे किसे रिलेटिव परमिटिविटी को इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं, हिंदी बोलते हैं विशिष्ट प्रावधानक। तो इसका दूसरा नाम हो गया रिलेटिव परमिटिविटी का नाम हो गया स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी विशिष्ट प्रावधानक। तो एक बार फिर से इसको बोलते हैं, सुनिएगा कि कोई पूछे रिलेटिव परमिटिविटी से क्या समझते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है या सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तो बोलिएगा कि हवा या निवात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल एवं माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम बल के अनुपात को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक और बीमा नहीं होता है, इसे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी भी कहते हैं। अब इसका व्यंजक देखिएगा, इसका व्यंजक क्या होता है। तो अभी सुने हो कि हवा या निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल एवं माध्यम में उन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम बल, ये देखिएगा, ये हो गया एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। एफ एयर का व्यंजक यहां से एक से देखिए, यहां देखिए एफ एयर बराबर 1 बाई 4 पाई एफ क्यू इनटू क्यू2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई 4 पाई। ये सापेक्षिक विद्युतशीलता का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, ये समान किसे निकलेगा। तो एफ एयर की जगह पर यहां से कूलम के नियम से पहला नियम F बराबर 1 बाई 4 पाई एफ नॉट क्यू इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये रखिए F बराबर 1 बाई 4 पाई एफ नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब यहां से बटा F मीडियम में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू वन बाई क्यू टू आर स्क्वायर, क्यू वन बाई क्यू टू आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, ये ऊपर चला गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल गया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी का व्यंजक। कोई पूछे एप्सिलॉन आर किसके बराबर, एग्जाम में आता है कि एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है, तो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, बराबर होता है। इसको ऐसे ले सकते हैं, हमको निकालना मान लीजिए एप्सिलॉन का मान, इसमें यहाँ रखना है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन क्यू इनटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर, यहाँ इसका मान जानते हैं 8.85×10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ इसका मान रखना है, यहाँ से इसको निकालेंगे एप्सिलॉन, इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट से निकल जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये हो गया एप्सिलॉन निकालने का फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.85 कल पढ़ाए थे, 8.85×10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर,
या इससे एक और मात्रक होता है फैराड पर मीटर, जब पढ़ाएंगे तो लिखा देंगे, अभी केवल सुनिए। एप्सिलॉन आर का मान क्या है, तो एप्सिलॉन आर का मान भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 80, कितना होता है 80। वहीं हवा के लिए होता है, एयर के लिए होता है समान, कितना होता है अनंत, सॉरी वन, कितना होता है वन। वहीं मेटल के लिए समान होता है इनफाइनाइट, अनंत। और ऑल मीडियम के लिए होता है, ऑल मीडियम के लिए समान कितना होता है तो वन होता है। अर्थात मान लीजिए पानी के लिए निकालना है तो यहां पर मान 8.85×10^-12 गुना पानी है तो वो 80 से गुना कर देंगे, आपका एप्सिलॉन का मान ज्ञात हो जाएगा। ये रहा, कोई पूछे कि बताइए पानी की विलुषिता सापेक्षिक विलुषिता कितनी होती है, तो बोलिएगा 80, और हवा की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है तो 1, मेटल का इनफाइनाइट, और मीडियम के लिए 1। ये रहा आपका रिलेटिव परमिटिविटी के अनुसार विभिन्न पदार्थों का मान भिन्न भिन्न। अब आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है, इसको जब पढ़ाएंगे तो लिखा कर इसको सिद्ध कर देंगे। अभी छावनी केवल अभी देखना, अभी लिखना नहीं है, केवल देखिए समझिए, उसका सब लिखाएंगे, कल से सब लिखाएंगे, ठीक है, अभी केवल देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक का नाम है, बोर्ड पर देखिए, टॉपिक का नाम है कूलम्स फोर्स इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर। कूलम्ब फोर्स इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर, हिंदी बोलते हैं इसको स्थिति सदिश के रूप में, क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश के रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक याद करें, या कूलम्ब बल। अब ये है क्या, समझते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी क्वेश्चन, दोनों में आता है, व्यंजक है कि पोजीशन वेक्टर के रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक याद करें, क्वेश्चन ऐसे आता है, हेडिंग क्या है, कूलम्ब फोर्स इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश के रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक। आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, याद कीजिए 11th क्लास में, कि पोजीशन वेक्टर क्या है, याद है कि गायब हो गया होगा, कॉपी खोल के देखिए, आपके पास घर पर कॉपी होगा, कि पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। चलिए याद नहीं है तो हम बोलते हैं, याद कीजिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे, हम बोले थे कि आपको वेक्टर का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा आपके आगे से सेकेंड ईयर में पहले चैप्टर में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कीजिए। तो वेक्टर का एप्लीकेशन जो है सबसे अधिक आपका एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपके पास कॉपी घर पर है उसमें वेक्टर निकालिए, और वेक्टर निकाल के जो है आप उसमें देखिए पोजिशन वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, अपोजिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर क्या है, ट्रेंगल ऑफ लॉग क्या है, पैरेललोग्राम लॉग क्या है, पॉलीगन लॉग क्या है, एसोसिएटिव लॉग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉग क्या है, सब निकाल कर देखिए, और देखने के बाद तब ये समझ में आएगा। अगर वह आपको याद नहीं है तो ये हम कितना ही पढ़ाएंगे आपको याद नहीं होगा, इसलिए उसमें बोले थे आप क्लास में कि आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो तो वेक्टर और कुछ याद हो या ना हो वेक्टर को जरूर याद रखें,
क्योंकि वेक्टर का एप्लीकेशन आपके सेकंड ईयर में ये अब उसका एप्लीकेशन यहाँ पर आ गया, तो अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पोजिशन वेक्टर है क्या, तो याद कीजिए, कॉपी में लिखा है, कॉपी देखिए, कि जब किसी सदिश का निरूपण मूल बिंदु के द्वारा किया जाता है, कि सदिश का निरूपण मूल बिंदु के द्वारा किया जाता है तो वह पोजिशन वेक्टर कहलाता है। याद है, याद कीजिए, फर्स्ट में पढ़ाए थे, जब किसी सदिश का निरूपण मूल बिंदु के द्वारा किया जाए तो वह पोजिशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहलाता है। और एक फोटो बनाए थे, पिक्चर बनाए थे किसी किताब में, याद कीजिए, एक ऐसे एक्स अक्ष खींचे थे और एक वैसे एक वाई अक्ष खींचे थे और बोलते यह हो गया आपका कौन अक्ष, वाई की एक्स, वाई, और ये हो गया एक्स, और ये रहा इसका मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट। तो याद कीजिए, यहाँ पर एक सदिश दिए थे ए बी सी डी ई एफ, बोले थे ए रहे तो उसका पोजिशन का ओ ए, बी रहे तो ओ बी, सी रहे तो ओ सी, डी रहे तो ओ डी, पी रहे तो ओ पी, क्यू रहे तो ओ क्यू, ऐसे लिख लिख के आपको समझाया था। और इसका पिक्चर बोर्ड बना के यहाँ पर लिखे थे कि ओ पी इज कॉल्ड पोजिशन ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर पी, ओ क्यू इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ वेक्टर क्यू, ऐसे लिख कर आपको बताए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी क्लास में पढ़ाया भी गया है या फिर आपके कॉपी में अवेलेबल भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको बस देखना है और देखना समझना है, जो आप उसका एप्लीकेशन आ गया यहाँ पर इसका उपयोग होगा। तो पोजिशन वेक्टर क्या है, तो जब किसी सदिश का निरूपण मूल बिंदु के द्वारा किया जाए तो वह पोजिशन वेक्टर कहलाता है। अब उसका एप्लीकेशन यहाँ किया जाएगा, देखिए इसमें यह जो है आपका एक आवेश रखे है, यह बिंदु, इस बिंदु को रखते हैं ए, कौन सा बिंदु है, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। तो पूछे आपसे कि इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा, तो आप याद कीजिए ओ ए क्या होगा, ओ ए, और इसका ओ बी क्या होगा, ओ बी। अगर इसका नाम हम आर वन दे दें, इसका नाम आर टू दे दें, फिर से देखिएगा, दो बिंदु लिया गया वो ए आई वो बी, ए का पोजिशन वेक्टर आर वन, बी का पोजिशन वेक्टर आर टू, और मान लीजिए ए और बी, ए पर रखा हुआ आवेश क्या है, क्यू वन है, और बी पर रखा हुआ आवेश क्या है, क्यू टू है, और इसके बीच की दूरी मान लीजिए क्या है, वह वेक्टर आर है। शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तो सब भाषा लैंग्वेज लिखा के पिक्चर बनवा के उसको सिद्ध करा देंगे। अभी शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, दो मिनट में सिद्ध कर देंगे उसको, क्यों डायरेक्ट फिर पिक्चर समझा के और क्यों डायरेक्ट बेंचक लिखेंगे, और जब पढ़ाएंगे तो वो आपका लैंग्वेज माना की जाना की लिखा कर उसको तब से पिक्चर बनवा तब सिद्ध करेंगे। अभी क्यों उसको देखिए समझिए कि है क्या। तो दो एक्सिस दिए गए, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक दो बिंदु दिए गए ए एव बी, OA का पोजिशन वेक्टर R1 है, OB का पोजिशन वेक्टर क्या है R2 है, और इसके बीच की दूरी क्या है R है। तो आपसे हम पूछें कि इसका रिलेशन क्या होगा, O से A होगा कि A से O होगा, O से A होगा, तो OA इज कॉल्ड, R1 इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर ऑफ OA, इसका O से B होगा, B से O होगा, इसका OB होगा, क्या होगा, OB होगा, ये हो गया आपका इसका रिलेशन O से, O से A की ओर R1, O से B की ओर R2, इसके बीच की दूरी क्या हो गया, वेक्टर R, R। आप जानते हो, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सुनिएगा, कि माना कि दो आवेश Q1 और Q2 है जो बिंदु A और B पर रखे गए हैं, O से A की दूरी क्या है R1 है, O से B की दूरी क्या है R2 है, इसका बीच डिस्टेंस क्या है, वेक्टर आर है। तो ए और बी के बीच दो आवेश रखा गया क्यू1 और क्यू2, तो दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा, तो एक बल लगेगा बी से ए की ओर, तो दो आवेश होंगे, हो सकता है दोनों आवेश समान हो सकता है दोनों आवेश असमान हो, एक बल लगेगा बी से, माना कि इन दोनों आवेशों के बीच दो बल लग रहा है, एक आकर्षण और दूसरा क्या होगा प्रतिकर्षण। तो माना कि एक बल लग रहा है B से A की ओर, अर्थात माने Q2 जो है, यह जहां आवेश रखा गया Q2, यह Q2 जो है बल आएगा कहां, Q1 पर, कहां लगाएगा Q1 पर, इसका नाम देते हैं वेक्टर
एफ वन टू जो पढ़ा है पिछले बैच में उनको याद होगा। तो एफ वेक्टर एफ वन टू का अर्थ हुआ कि Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल। तो पूछे कि ये वेक्टर F12 क्या है, तो बोलिएगा ये वेक्टर F12 जो है वह Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल है। तो Q1 भी बल लगाया Q2 पर ना, तो Q1 जो बल लगाया Q2 पर, तो ये रहा आपका इसका नाम देते हैं ना F21। क्या है F21? एक बल फोर्स अप्लाइड हो रहा है Q2 से Q1 की ओर, एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है Q1 से Q2 की ओर। तो Q2 से Q1 की ओर लगने वाला बल का नाम है वेक्टर F12 और Q2 से Q1 से Q2 की ओर लगने वाला बल का नाम है वेक्टर F21। तो इस समय इन दोनों आवेशों के बीच दो प्रकार का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, एक का नाम है वेक्टर F12 और दूसरे का नाम क्या है वेक्टर F21। सब पोजीशन वेक्टर का टॉपिक है, आपको याद होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं याद होगा कॉपी खोल के देखिए घर पर है बैठे तो वहां देखिए। तो कितने बल अप्लाई हो रहा है, दो बल, एक F12 और दूसरा F21। तो दो बल लग रहा है, एक है Q1 से Q2 की ओर उसका नाम है F21, एक है Q2 से Q1 की ओर नाम है F12। अब आपको देखना है कि ये दोनों बल हो सकता है आकर्षण बल भी हो सकता है प्रतिकर्षण बल हो, हमको बल से मतलब है। तो इस समय इसमें एक आपको सिंबल दिखना पड़ेगा जो शो करता हो कि बल जो है लगने वाला बल जो है एक बार Q1 से Q2 की ओर है और एक बार Q2 से Q1 की ओर है। तो Q1 से Q2 की ओर लगने वाले बल को सिंबल Q1 से Q2 देखिए, इसका देते हैं कैप R12। क्या हो गया कैप R12, कैप R12 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर व्हिच शो फोर्स अप्लाइड टू Q1 टू Q2। अर्थात यहाँ कैप R12 जो है एक एकांश दिश है, एक यूनिट वेक्टर है जो यह शो करता है कि लगने वाले बल की जो दिशा है वह Q1 से क्या है Q2। कोई पूछे कैप R12 क्या है, किसे लिखा गया, तो बोलिए कैप R12 जो है एक एकांश दिश है जो यह शो करता है कि लगने वाला बल जो है वह Q1 से क्या है Q2 की ओर है। समझा ना? अब इसके लिए लिखेंगे अब यो इधर, ये देखिए यो लगने वाला बल B से A की ओर है। क्या है B से A, देखिए ऐसे, तो ऐसे लग रहा है, इसको देते कैप R21। क्या लिखा है कैप R21, इसका अर्थ ये हुआ कि लगने वाला बल जो है वह B से A की ओर है। अर्थात Q2 बल लगा रहा है Q1 पर, तो वह बल का दिशा हो गया अर्थात F12 के लिए दिशा हो गया कैप R21, और F21 के लिए दिशा हो गया कैप R12। यहाँ कैप R12 और कैप R21 जो है यूनिट वेक्टर है जो परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या है विपरीत है, अर्थात दोनों की दिशा अलग अलग है, लेकिन यह दोनों के दोनों जो है एकांत दिश है जो लगने वाले बल की दिशा का निरूपण करते हैं। नारा? तो फिर से एक बार बोलते हैं शुरू से, माना कि Q1 एवं Q2 दो आवेश हैं जिनका पोजिशन वेक्टर वेक्टर R1 एवं वेक्टर R2 है, एवं इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल वेक्टर F12 तथा वेक्टर F21 है, एवं इसके बीच की दूरी क्या है वेक्टर R है। अब आपको दिखाई दे रहा है यहां पर त्रिभुज बन गया है, क्या बना है त्रिभुज, तो त्रिभुज बना है तो सियोर है इसमें त्रिभुज का नियम लगेगा। आपको फर्स्ट ईयर में याद कीजिए वेक्टर पढ़ाए थे त्रिभुज का नियम, हेडिंग कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश के योग का त्रिभुज नियम, याद है कि भूल गए, नहीं याद होगा, चलो नहीं याद है तो हम बोलते हैं सुनिए। ये दो सदिश किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं हो तो उन दोनों भुजाओं की सहायता से खींची गई त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के योग या परिमाण को प्रदर्शित करता है, जिस प्रकार के नियम को सदिश के योग के त्रिभुज के नियम के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि जब कोई फिर से बोलते हैं सुनिएगा कि यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं हो तो उन दोनों भुजाओं की सहायता से खींची गई त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार के नियम को त्रिभुज के सदिश के योग के त्रिभुज के नियम के नाम से जाना जाता है। यदि जिसे पढ़ाए थे कि ऐसे वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, याद है कि नहीं है? नहीं चल रहा है,
यहाँ लिखा जा सकती है त्रिभुज के नियम में कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अर्थात यह त्रिभुज का नियम है, अब कॉपी में लिखा है पढ़ाए भी है कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी, इस प्रकार के नियम को त्रिभुज के नियम के नाम से जनाता है। परिभाषा बोलेंगे तो बोलेंगे यदि दो सदिश त्रिभुज की दो आसन्न भुजाएं हो तो उन दोनों भुजाओं की सहायता से खींची गई त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है, इस प्रकार के नियम को त्रिभुज के सदिश के नियम के नाम से जानते हैं, अर्थात वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। उसी का एप्लीकेशन अब यहाँ करना है, इसका अर्थ ये हुआ कि अब त्रिभुज के नियम अप्लाई हो करना है, तो अप्लाई कैसे होगा तो देखिए आपको अब दिखाते हैं, इसे पिक्चर बनाया। माना कि ये सदिश है, ये क्या बोलते हैं Q1 और Q2 दो आवेश है, इसके बीच की दूरी क्या है R है, Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या है R1 है, Q2 क्या है R2 है, लग्नन बल क्या है F12 है और F21 है। अब इसका व्यंजक सिद्ध करना है, व्यंजक देखिए इसको देखिए नहीं चल रहा तो इसको सब देखिए नहीं चल रहा, तो ये जो है आपका इसका व्यंजक सिद्ध करना तो भाषा है ये सब कुछ ला रहा है। तो आप क्लास में ये अभी बता रहे थे कि ये दो आवेश है Q1 और Q2 और यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है R2, इन दोनों आवेश की दूरी क्या है R है, इन दोनों में आवेश लगने वाला बल क्या है F12 और क्या है F21 है। इसका व्यंजक होता है व्यंजक डायरेक्ट लिख रहा है ताकि आप लोग को जब पढ़ाएंगे तो सिद्ध कर देंगे। तो इसका F12 का व्यंजक निकालना है, तो F12 का व्यंजक होता है F12 बराबर 1/4πε0 Q1 into Q2 by modulus of R1 minus R2 का whole cube into R1 minus R1 minus R2। ये रहा F12 निकालने का व्यंजक, ये इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर। वही F21 निकालना है, अभी यहाँ पर डायरेक्ट है, अब ये जब पढ़ाएंगे तो इसको सिद्ध कर देंगे कैसे आता है। यहाँ पर डायरेक्ट व्यंजक लिखे हैं, ये रहा इसका पिक्चर और ये रहा इसका व्यंजक जो आपके एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन पूछा भी गया, क्वेश्चन बैंक है तो निकाल कर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है कूलम्ब फोर्स अभी लिखना नहीं है, अभी छापिएगा मत, जब हम कहेंगे जब अनाउंस करेंगे तब बोर्ड पर से छापिएगा या लिखिएगा या हम बोलेंगे लिखाने के लिए लिखने के लिए तो लिखिएगा, अभी लिखना नहीं है केवल समझना है देखना है, जब आपका समाप्त हो जाता है लेक्चर उस पर लिखना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद उस टॉपिक का नाम है आपके सिलेबस के अनुसार आपके बुक के अनुसार टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, हिंदी बोलते हैं सदिश रूप में, सदिश रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक। ये रहा आपका दूसरा टॉपिक कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इन्हें बोलते हैं सदिश रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक। इसका व्यंजक होता है वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन ऑफ कूलम्ब फोर्स इन टर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में कूलम्ब बल का व्यंजक। इसका अर्थ हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण समान होता है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है दूसरे से माइनस है, यह दर्शाता है कि इसकी दिशा क्या है दूसरे से विपरीत है, अर्थात F12 बराबर माइनस वेक्टर F21 को ही सदिश रूप में कूलम्ब बल के व्यंजक के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ कुछ वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21 का अर्थ क्या हुआ, तो बोला कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण समान किंतु दिशा दूसरे से विपरीत होती है, जो न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। इस प्रकार के नियम को न्यूटन के तृतीय गति नियम का नियम बोलते हैं, और F12 बराबर माइनस F21 को सदिश रूप
में कूलम्ब बल के व्यंजक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपकी किताब में, उस टॉपिक का नाम है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस साल आया भी था एग्जाम में, किताब खोल के देखिए। कूलम्ब फोर्स फॉर मेनी चार्ज एंड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज फोर्स। इसको हिंदी बोलते हैं बहुत से आवेशों के कारण कूलम्ब बल एवं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्ब फोर्स फॉर मेनी चार्ज एंड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज फोर्स। हिंदी बोलते हैं बहुत से आवेशों के कारण कूलम्ब बल का व्यंजक एवं आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। एग्जाम में आता है, दोनों में पूछा भी गया था कि आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या समझते, तो बोलेंगे परिभाषा सुनिएगा कि किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग लगने वाले कुल बलों का मान, फिर से बोलते हैं किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। इस प्रकार के नियम को आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फिर से बोलते हैं, सुनिएगा, किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश के योग के बराबर हो, तो इस प्रकार के नियम को या सिद्धांत को आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसा आप इसका व्यंजक देखिए, तो मान लीजिए यह कोई दिया हुआ आवेश क्या है, Q नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो मान लीजिए दिया हुआ आवेश क्या है, Q नॉट है, और इसके अगल बगल में बहुत सारे आवेश है, नाम देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, डैश 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 Qn। तो यह जितना Q1 Q2 आवेश दिखाई दे रहा है, ये सब कहलाता है सोर्स चार्ज, क्या बोलते हैं इसको सोर्स चार्ज, और Q नॉट को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये देखिए इसको बोलते हैं Q नॉट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी बोलते हैं इसको परीक्षण आवेश, क्या बोलते हैं परीक्षण आवेश, और इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, बोलते हैं सोर्स चार्ज, हिंदी बोलते हैं स्रोत आवेश। तो यह टेस्ट चार्ज क्या है, तो यह बहुत अत्यंत सूक्ष्म चार्ज होता है जिसका कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसे क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है, इसे टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश के नाम से जाना जाता है। यह सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो अपने इर्द गिर्द अपने आस पास अपने नियर बाय जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है, तो वह क्यू से नोट किया जाता है, इसकी कैपेसिटी उस आवेश के अनुसार होती है। तो माना कि यहाँ क्यू नोट आवेश है, इसके अगल बगल में बहुत सारे आवेश रखे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn आवेश रखा गया है, तो यह सभी Q1, Q2 आवेश मिलकर इस क्यू नोट पर बल लगाएगा। तो ये बोला है परिभाषा में कि किसी दिए हुए आवेश के चारों स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान उन अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश के योग के बराबर हो, तो इस प्रकार के नियम को अर्थात ये रहा F बराबर
वेक्टर एफ जीरो वन प्लस वेक्टर एफ जीरो टू प्लस वेक्टर एफ जीरो थ्री प्लस वेक्टर एफ जीरो फोर प्लस डैश 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 प्लस वेक्टर एफ जीरो एन को ही आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज फोर्स के नाम से जाना जाता है। अब इसका व्यंजक ज्ञात करना है तो ये कहलाएगा आपका कूलम्ब फोर्स पर मिनी चार्ज। तो ये रहे आपके आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत उसका व्यंजक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? हिंदी बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। किताब में लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र, लिखा हुआ वैद्युत क्षेत्र है क्या? तो रन होते हैं कॉलेज के बाद पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिखाई दे रहा है? इसको हिंदी बोलते हैं बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। साफ लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा फिर से मिटा कर लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड का प्रॉब्लम है, मार्कर है, हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र जब पढ़ाएंगे साफ लिखेंगे अभी ऐसे ही चलेगा। देखिए केवल है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आवेश के प्रभाव के कारण विद्युत बल का अनुभव किया जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यहां तक जो है इसका ऐसे मतलब न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, बिना एम थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है, जो पढ़ाएंगे वहां दिखा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी बोलते हैं ये हेडिंग किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि बोलते हैं विद्युत क्षेत्र है क्या? तो किसी दिए हुए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव के कारण बल का अनुभव किया जाता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इसका ऐसे मात्र न्यूटन पर कूलम होता है। यह आवेश कैपेसिटी के अनुसार आवेश की कैपेसिटी अधिक होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा, आवेश कैपेसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? छोटा होगा। अब इस पर नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फील्ड इंटेंसिटी। हिंदी बोलते हैं क्षेत्र तीव्रता, कल का हुआ विद्युत तीव्रता। तो क्षेत्र तीव्रता क्या है, विद्युत तीव्रता क्या है, बात देखिए दोनों। अभी तक हम लोग कल परसों आज जो क्लास किए वह था केवल चार्ज के बारे में। याद कीजिए जब चैप्टर हेडिंग किए थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट लिखे थे चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी। तो अब इंटेंसिटी अब आया, इसको बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी, बोलते हैं क्षेत्र तीव्रता या विद्युत तीव्रता है क्या? तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर एकांत धनावेश द्वारा लगने वाला बल उस बिंदु पर का क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। इसे ई से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसे मतलब न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए यह कोई आवेश है, इसका नाम लिखते हैं क्यू। तो यह आवेश क्यू जो रखे हैं तो इसके इर्द गिर्द इसके आसपास जो है द्वितीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी आप एक आवेश रखो जिससे दूरी क्या हो, आर हो या क्यू हो, क्या बोलते हैं टू आर हो, जो दूरी रखना रखिए, तो
तो यह क्यू आवेश है। अब यहाँ पर एक बिंदु रखिए, इसका नाम दीजिए बिंदु पी। यहाँ पर रखा हुआ आवेश क्या है? क्यू नॉट है। तो अभी बोला है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर आवेश के प्रभाव का बल का अनुभव किया जाए वह फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो यह आवेश है तो इसका इर्द-गिर्द में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा तो यहाँ पर एक आवेश रखे, इसका नाम है क्यू नॉट। तो सीओ नहीं है, क्यू जो है इस क्यू नॉट पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। अर्थात क्यू बल लगाएगा क्यू नॉट पर, क्यू नॉट पर लगाएगा क्यू पर। तो क्यू बल लगाएगा क्यू नॉट पर क्योंकि यह सोर्स चार्ज है और यह क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो क्यू क्यू नॉट पर बल लगाया तो यह क्यू द्वारा इस क्यू नॉट पर इस बिंदु पी पर लगने वाला बल ही इस बिंदु पी पर क्या क्या कहलाएगा? ये लगने वाला बल ही इस बिंदु पी पर क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी कहलाएगा। अर्थात अगर माना कि ये क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज है, क्यू सोर्स चार्ज है, तो क्यू द्वारा क्यू पर क्यू नॉट पर लगने वाला बल क्या? वेक्टर एफ है। तो इस वेक्टर एफ ही इस बिंदु पी पर का इंटेंसिटी कहलाएगा। इट मीन से ई कहलाएगा क्योंकि एक सदिश राशि है, इसलिए यहां वेक्टर का साइन होगा। अर्थात इससे फॉर्मूला वेक्टर ई बराबर एफ बाई क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। इसका अर्थ हुआ कि एकांत धनावेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर का इंटेंसिटी कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तो इसका फॉर्मूला ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। ये रहा आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो आज जानते हैं, फिर कल आपको बताएंगे। आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।